नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रदेश और केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत पंजीकरण कर उन्हें काम देने के मामले में सिद्धार्थ नगर जिला फिलहाल प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर है। जिले में फिलहाल 1,15,000 ग्रामीण पुरुष और महिलाएं जिले के 14 ब्लॉकों में मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें पिछले एक महीने में करीब 22,700 प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर जॉब कार्ड बनाया गया है। वर्तमान समय में करीब 18,000 प्रवासी मजदूर मनरेगा के तहत जिले में काम कर रहे हैं। मुंबई व अन्य जिलों से आए प्रवासी मजदूरों ने बताया, वह मुंबई में मजदूरी और लेबर का काम करते थे। कोरोना बीमारी के बाद जब वे किसी तरह अपने गांव पहुंचे तो उनके पास कोई रोजगार नहीं था। केंद्र और प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत उन्हें काम देकर उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दी है। वह काफी खुश है। बम्बई रहे, बंगाल के काम करते रहे, बंदी हो गए तो भाग के आ, तो ब्लॉक से कारट बन गया, तब मजूरी उजूरी लग गया लड़कन के खाए के। तब खुश हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ खुश है, ऐसे लग रहा है रोजी धंधा। लड़के के दूध ना आए, दूधे करती गढ़ाई भाव पड़ते हुए परेशानी दुनिया खाए। अब ऐसे मजूरी लग रही तो परेशानी हट जाए। सिद्धार्थ नगर जिले को मनरेगा में प्रथम स्थान पर होने से संबंधित अधिकारी काफी उत्साहित हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप इच्छित प्रवासी मजदूरों का युद्ध स्तर पर रजिस्ट्रेशन कर उन्हें काम भी मुहैया करा रहे हैं। मनरेगा में काम को लेकर डीसी मनरेगा संजय शर्मा ने बताया कि जनपद में अभी 1,15,000 लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। 22,700 प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड बने हैं, जिसमें से करीब 18,000 प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को जिले में काम देने के लिए मनरेगा से कई काम शुरू किए जा रहे हैं। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। हमारा ज़िला जो है ये प्रदेश में प्रथम स्थान पे है। कैसा आपको महसूस हो रहा है और कितने जो है हमारे यहाँ काम कर रहे हैं मजदूर इस वक्त मनरेगा के तहत, तो इसमें प्रवासी कितने? जी मैं यहाँ निरीक्षण में आया था और अचानक आप लोग भी यहाँ दिखाई दे गए, बहुत खुशी की बात है। और मैं जितने प्रवासी मजदूर आए थे उसको अभियान चलाकर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोग एक अभियान चला के प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराए और उसमें जितने लोग इच्छुक हैं उनको सब को हम लोग रोज़गार उपलब्ध करा रहे हैं मनरेगा के माध्यम से। आज हमारा ये जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान है। 1,15,000 मजदूर पूरे जनपद में मनरेगा से काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। आज जब हम सब जानते हैं विपरीत परिस्थितियों में रोज़गार मुहैया कराना एक मूलभूत आवश्यकता है, उसी क्रम में जो भी मजदूर प्रवासी हैं जो बाहर के शहरों से आए हुए हैं, अपने गांव में आए हैं, उनको तत्काल रोज़गार उपलब्ध करा के उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम उनको, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हम उनको काम उपलब्ध करा रहे हैं और उनको रोज़गार दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूर कितने हैं सर? प्रवासी मजदूर जो नरेगा में जॉब कार्ड बनाया गया है वो 22,700 है और उनमें से लगभग 18,000 लोगों को हम लोग रोज़गार नियोजित कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं नरेगा के अंतर्गत।